शोल्डर में इंजेक्शन लगना बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। क्या आपको अपने शोल्डर में इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन। दोस्तों, काफी सारे मरीजों को शोल्डर में इंजेक्शन एडवाइस करा जाता है काफी अलग अलग कंडीशंस के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए और आपको कब ये इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। शोल्डर में लगने वाला सबसे कॉमन इंजेक्शन है स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड एक बहुत ही पावरफुल ड्रग है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और दर्द कम करता है। शोल्डर में लगने के बाद ये शोल्डर की इन्फ्लेमेशन और पेन कम करता है, साथ ही साथ मूवमेंट भी बढ़ाता है। ये काफी सिलेक्टेड कंडीशंस में लगता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर, बर्साइटिस या शोल्डर आर्थराइटिस। बट इसको लगाना खतरे से खाली नहीं है। ये इंजेक्शन हम बार बार नहीं लगा सकते। बार बार इंजेक्शन लगाने के बाद हमारे शोल्डर का कार्टिलेज खराब हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और टेंडन टियर का भी रिस्क रहता है। इसको लगाने से पहले हम कंधे को पूरा चेक करते हैं, कंधे की मूवमेंट्स, रोटेटर कफ की पावर, मांसपेशियां और कंधे की मूवमेंट्स। लगाने से पहले हम मरीज का शुगर भी चेक करते हैं। अगर ब्लड शुगर काफी ज्यादा है तो ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। उस केस में हम मरीज को शुगर कंट्रोल करने की एडवाइस करते हैं और उसके बाद ही इंजेक्शन लगता है। कंधे में लगने वाला दूसरा इंजेक्शन है पीआरपी इंजेक्शन। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम मरीज का ब्लड लेते हैं, उसको स्पेशल मशीन में चलाते हैं और उसमें से प्लेटलेट निकाल कर हम कंधे में इंजेक्शन के रूप में लगा देते हैं। इन प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो अंदर शोल्डर की इंजरी को हील करते हैं और मरीज को ठीक करते हैं। पीआरपी का इंजेक्शन भी काफी कम कंडीशन में लगता है, जैसे टेंडनाइटिस या यंग लोगों में पार्शियल रोटेटर कफ टियर। एज सच पीआरपी इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये इंजेक्शन हम बार बार कंधे में लगा सकते हैं। अगर आपको भी शोल्डर इंजेक्शन आपके डॉक्टर ने एडवाइस करा है और आप कंफ्यूज हैं कि ये लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्या ये इंजेक्शन आपके लिए सही है, तो आप हमसे एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स और अपनी प्रिस्क्रिप्शन नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।